हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ द ग्रेट रूलर का पार्ट नंबर 2। अगर अभी तक आप लोगों ने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया होगा, जाकर चेकआउट कर लो। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, लू यांग ने फाइट के लिए मुचेन को चैलेंज कर दिया था, लेकिन मुचेन के वहां कॉम्पिटिशन टाइम पर ना होने की वजह से किनशन ही फाइट करने के लिए मैदान में उतर जाता है। दूसरी तरफ खड़े लू यांग को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो किनशन को बहुत ही बुरी तरीके से पीटता है, जबकि किनशन भी हार नहीं मान रहा था। वो बस कुछ भी करके इतना टाइम निकालना चाहता था कि मुचेन वहां पर पहुंच जाए। और तभी अचानक एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि मुचेन एक हीरो की एंट्री के साथ आकर किनशन की जान बचा लेता है। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहां मुचेन के दोस्तों मुचेन को देखकर काफी जरा खुश हो गए थे, लेकिन दूसरी तरफ लुओ यांग कहता है कि आखिरकार तुम जैसे डरपोक में इतनी हिम्मत आ ही गई कि तुम यहां पर आ गए, चलो अच्छा है अब मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा। लेकिन मुचेन उसे फुल टू फुल इग्नोर करते हुए किनशन से कहता है कि तुमने आखिरकार स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल को अचीव कर लिया, कांग्रेचुलेशन, मुझे तुम पर बहुत ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा है, बस कुछ ही देर और मेहनत करोगे तो तुम लुओ यांग के लेवल तक भी पहुंच जाओगे और नेक्स्ट टाइम यकीनन तुम उसे हरा दोगे। जिस पर किनशन पर मुचेन से कहता है, ठीक है भाई, अभी के लिए तुम इसे देख लो, नेक्स्ट टाइम मैं खुद इसे हराऊंगा। ये कहते हुए किनशन वहां से जाने वाला था, तभी अचानक वो बीच रास्ते में रुककर मुचेन से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हार कर वापस मत आना। मुचेन उसकी ये बात सुनकर कहता है कि मुझ पर यकीन रखो। इसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर ने अनाउंसमेंट कर दी थी कि इस फर्स्ट राउंड का विनर है लू यांग। अब नेक्स्ट फाइट होने वाली है लू यांग वर्सेस मुचेन के बीच। मुचेन को यहाँ मैदान में देखकर काइनीर उसे चेयर अप कर रही थी, लेकिन लू यांग को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो मुचेन से कहता है कि जब तक मैं तुम्हें हरा नहीं देता तब तक काइनीर मुझ पर फोकस नहीं करेगी, इसलिए आज मैं तुम्हें रोंद कर रखने वाला हूँ। जो सुनकर मुचेन कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन अभी तक तुम्हारी ताकत इतनी नहीं बढ़ी, इसलिए जाते हुए ख्वाब मत देखो। ये सुनकर लू यांग को गुस्सा आ गया था और वो फौरन से अपनी स्पिरिट एनर्जी अनलिश कर लेता है, जिसे देखते हुए मुचेन भी फाइट के लिए तैयार हो चुका था। यहाँ वेस्ट अकेडमी के डिसिपल आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि ये दोनों ही स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल पर है, लेकिन मुचेन अभी अर्ली स्टेज पर है, जबकि दूसरी तरफ लू यांग मिडिल स्टेज पर पहुंच गया। यहाँ साथ ही खड़ा लुओ मोबाइल भी अपने दोस्त से पूछते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इन दोनों में से ये फाइट कौन जीतेगा, जिस पर वो लड़की कहती है कि इन दोनों का पावर लेवल सेम है, साथ ही साथ इन दोनों के फादर ही क्लैन लीडर्स है, यानी कि इन दोनों के पास स्पिरिचुअल आर्ट्स भी अच्छे होंगे। पर यहाँ पर लुओ यांग अपने लेवल के मिडिल स्टेज में है, तो इसलिए मुझे लगता है कि मुचेन को इस फाइट में काफी ज्यादा दर्द सहना पड़ेगा। जो सुनकर लुओ मोबाइल कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मेरा भाई ज्यादा बेहतर है, वो यकीनन मुचेन को हरा देगा। दूसरी तरफ मैदान में हम देखते हैं कि लुओ यांग ने अपनी स्पिरिचुअल पावर एक्टिवेट करते हुए मुचेन पर हमला करना शुरू कर दिया था, जिसे मुचेन बहुत ही आसानी के साथ डॉच करता जाता है, जो देखकर लुओ यांग भी रुकता नहीं और लगातार मुचेन पर हमले करता जा रहा था, जिस पर मजबूरन मुचेन को भी अपनी स्पिरिचुअल पावर एक्टिवेट करनी पड़ती है। पर इसके बावजूद भी हम देख पाते हैं कि शायद मुचेन के दिमाग में कुछ चल रहा था, वो ज्यादातर अटैक करने के बजाय अपने डिफेंस पर ध्यान दे रहा था और लुओ यांग के सारे हमलों को डॉच करता जा रहा था, जो देखकर लुओ मोबाइल कहते हैं कि मुचेन तो सिर्फ लुओ यांग को भी नहीं हरा सकता, आखिर ये स्पिरिचुअल लैंड तक कैसे पहुंचा था, बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है। जिस पर साथ खड़ी मिस होंग यहाँ लुओ मोबाइल से कहती है, कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी जगह लास्ट टाइम वो स्पिरिचुअल लैंड गया था और तुम्हें शायद इस बात का अभी तक भी अफसोस हो रहा है, लेकिन तुम्हें ज्यादा देर तक अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं। लुओ मोबाइल भी उसकी इन बातों का सरकैज़म समझ चुका था कि वो उसे ताना मार रही है, लेकिन इसके बावजूद भी वो ये सारी बातें इग्नोर करते हुए मुस्कुराकर कहता है कि नेक्स्ट टाइम मैं जरूर सिलेक्टेड होऊंगा। दूसरी तरफ मैदान में हम देखते हैं कि अभी मुचेन और लुओ यांग के दरमियान एक जबरदस्त फाइट चल रही थी, जहां लुओ यांग तो अपनी सारी एनर्जी यूज करते हुए लगातार मुचेन पर हमले कर रहा था, पर शायद मुचेन के दिमाग में अपने फादर की वो लास्ट फाइट याद रह गई थी कि मुझे ज्यादा से ज्यादा देर तक टिकना है। लुओ यांग को ये सब देखकर और भी जरा गुस्सा आ रहा था कि मुचेन आखिर मुझ पर हमला क्यों नहीं कर रहा, इसलिए वो गुस्से में आकर और भी जरा तेजी के साथ हमला करना शुरू कर देता है। जबकि दूसरी तरफ मास्टर जैव यहाँ पर मुचेन की फाइटिंग टेक्निक समझ गए थे, वो कहते हैं कि मुचेन वाकई में टैलेंटेड इंसान है, उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा शार्प है, वो तेजी के साथ मूव करते हुए अटैक्स को डॉच कर सकता है और मुझे समझ आ चुका है कि वो उसके गुस्से का फायदा उठा रहा है। एल्डर मो कहते हैं कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, वो लू यांग की एक गलती का इंतजार कर रहा है, जैसे ही वो गुस्से में कोई गलती करेगा मुचेन उसे हरा देगा। जबकि दूसरी तरफ लॉर्ड जी कहते हैं कि तुम्हें लू यांग को इतना भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, उसकी स्पिरिचुअल पावर और स्पिरिचुअल आर्ट्स काफी ज्यादा बेहतरीन है। पीछे मैदान में हम देखते हैं कि आखिरकार लू यांग ने गुस्से में आकर वो गलती कर ही दी थी, जहां वो फ्रंट टू फ्रंट भागते हुए सीधा मुचेन पर हमला करने जा रहा था। मुचेन भी इसी मौके का फायदा उठाते हुए स्टोन ब्रेकिंग फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ लू यांग पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से लू यांग को गहरी चोट लग चुकी थी। वेस्ट अकेडमी के डिसिपल तो ये देखकर थोड़े से हैरान हो गई थी, जबकि दूसरी तरफ ईस्ट अकेडमी के डिसिपल ये देखकर
खुश होते हुए मुचेन को चेयर अप करना शुरू कर देते हैं। मैदान में खड़े लुएंग के गुस्से का पारा पार हो चुका था। वो गुस्से के साथ कहता है कि तुमने मुझे इसके लिए मजबूर कर दिया। ये कहते ही लुएंग अपनी स्पिरिचुअल आर्ट एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखकर वेस्ट एकेडमी के डिसिपल कह रहे थे कि वो तो अपनी लुओ क्लैन की एक टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जबकि दूसरी तरफ मैदान में हम देखते हैं कि लुएंग ने अपनी फ्लेम बॉम्ब टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मुचेन पर हमला करना शुरू कर दिया था। मुचेन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो टेक्निक वाकई में जबरदस्त थी, जिसकी वजह से मुचेन को थोड़ी सी चोट लग जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लुएंग ये करते हुए रुकता नहीं, बल्कि वो लगातार अपनी फ्लेम बॉम्ब टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मुचेन पर हमले करते जा रहा था, जिसकी वजह से मुचेन यहाँ रीना के लास्ट कॉर्नर तक पहुंच गया था। और लुएंग यहाँ मुचेन को देखकर कहता है, क्या हुआ, क्या तुम इसे रोक नहीं पा रहे, चलो मैं तुम्हारी सारी तकलीफें एक ही बार में खत्म कर देता हूँ। ये कहते उसने एक बहुत बड़ी एनर्जी बॉल को क्रिएट करना शुरू कर दिया था, यानी कि वो एक बहुत बड़े फ्लेम बॉम्ब का इस्तेमाल करने वाला है, जो देखकर काइनिर और किनशन दोनों ही मुचेन के लिए काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। लेकिन दूसरी तरफ मुचेन भी इस बात को अच्छे से समझ गया था कि अब वक्त आ चुका है, मुझे अपने ग्रेट बुद्धा पगोड़ा आर्ट का इस्तेमाल करना ही होगा। जो कहते साथ ही हम देखते हैं कि मुचेन ने अपनी आर्ट को एक्टिवेट कर लिया था, और इसी के दौरान मुचेन की रियल पावर सब लोगों को मालूम हो जाती है, जो देखकर वो सब लोग ही हैरान होते हुए कहता है कि आखिर मुचेन अपने लेवल की मिडिल स्टेज तक कैसे पहुंच गया। अब तो ये दोनों बराबर लेवल के बराबर स्टेज पर पहुंच चुके हैं, तो कोई नहीं जानता था कि आखिर कौन इस फाइट को जीतेगा। जबकि दूसरी तरफ लुएंग गुस्से में होते हुए कहता है कि क्या हुआ अगर तुम मिडिल स्टेज तक पहुंच गए, तुम कभी भी मेरी स्पिरिचुअल आर्ट का मुकाबला नहीं कर सकते। ये कहती है वो अपने जॉइंट फ्लेम आर्ट से यहाँ मुचेन पर हमला कर देता है, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर मुचेन ने भी ग्रेट बुद्धा पगोड़ा आर्ट टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था। यहाँ पर इन दोनों के आर्ट एक दूसरे से टकराते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी चारों तरफ फैल चुकी थी। कोई भी गेस नहीं कर पा रहा था कि आखिर इन दोनों के स्पिरिचुअल आर्ट्स में से किसका स्पिरिचुअल आर्ट जीतेगा। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि मुचेन के पगोड़ा आर्ट ने फ्लेम पाम को बीच में से चीरना शुरू कर दिया था, जो देखकर लुएंग को बिल्कुल भी यकीन नहीं आता। दूसरी तरफ मुचेन उस पाम को चीरते हुए सीधा जाकर लुएंग पर भी हमला कर देता है, और लुएंग इस हमले से बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था, जो देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग शॉक रह गए थे। लुएंग की ऐसी बुरी हालत देखकर मुचेन उसे कहता है कि हार मान लो, लेकिन लुएंग का गुरूर तो उसके सर पर चढ़ चुका था, वो भला कैसे हार मान सकता है। इसलिए लुएंग ने गुस्से के साथ खड़े होकर अपनी डिस्ट्रक्शन पिल को बाहर निकाल लिया था, जिसे वो एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। ये देखकर आसपास के लोग हैरान हो गए थे कि आखिर लुएंग क्या कर रहा है, जबकि लुओ मोबाइल अपने मन में कह रहा था कि बेवकूफ, ये सही टाइम नहीं है, अगर तुमने अभी ये किया तो तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। दूसरी तरफ मुचेन भी समझ गया था कि ये चाहे जो कुछ भी कर रहा है वो बहुत खतरनाक है, मुझे इसे रोकना ही होगा। ये कहती है मुचेन भी अपने स्टोन ब्रेकिंग फिंगर टेक्निक को लेकर आगे की तरफ बढ़ते हुए लुएंग पर हमला कर देता है, जो कि सीधा उसी की गर्दन की तरफ जा रही थी। लुएंग उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर घबरा गया था, वो जानता था कि अगर इस अटैक से मेरी गर्दन पर हमला हो गया तो मैं मारा जाऊंगा, इसलिए वो फौरन अपनी गर्दन को कवर कर लेता है। जबकि दूसरी तरफ मुचेन ने उस पिल को पकड़ लिया था, मुचेन का कभी भी यहाँ लुएंग को जान से मारने का प्लान नहीं था। लुओ मोबाइल भी यहाँ मुचेन पर हमला करते हुए मैदान में आ जाता है, वो मुचेन से कहता है कि चलो भी जो हो गया उसे भूल जाते हैं, मेरा भाई थोड़ा सा ना समझ है, उसे थोड़ी गलती हो गई, लेकिन शुक्र की बात है कि तुम जिंदा और सलामत हो, इसलिए वो पिल अब मेरे हवाले कर दो। वो पिल असल में बहुत ही ज्यादा कीमती है, जिस पर हम देखते हैं कि मुचेन वो पिल नहीं देना चाहता था। वो कहता है कि ये बात तो तुम भी अच्छे से जानते हो कि अगर ये पिल एक्सप्लोड हो जाता तो मेरे साथ क्या होता। तभी अचानक यहाँ पर एल्डर मूवी आ जाते हैं, जो कि सवाल करते हुए पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। मुचेन उन्हें डिस्ट्रक्शन पिल दिखाते हुए कहता है कि इसने इसका इस्तेमाल मेरे खिलाफ करने की कोशिश की, जो देखकर एल्डर मूवी गुस्सा होते हुए कहते हैं कि आखिर तुमने स्पिरिट डिस्ट्रक्शन पिल का इस्तेमाल करने की कोशिश कैसे की, क्या तुम जानते रहे कि ये कॉम्पिटिशन के रूल्स के बिल्कुल खिलाफ है। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर मास्टर ज़ियाओ और एल्डर ज़ी भी आ चुके थे। ये बात सुनकर वहाँ के लोग भी आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं कि आखिर इसने ये कैसे कर लिया, इसने रूल्स तोड़े, इसका मतलब अब इसे एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। लुओ मोबाइल यहाँ पर अपने भाई की तरफ से माफी मांगने की कोशिश करता है कि वो ना समझ है, प्लीज उसे माफ कर दीजिए, लेकिन एल्डर मू मुचेन की तरफ से यही कह रहे थे कि जो कॉम्पिटिशन के रूल्स है हमें उसी के हिसाब से चलना चाहिए, हमें हमेशा हमेशा के लिए लुओ यांग को एकेडमी से एक्सपेल करना होगा। जिस पर एल्डर जी यहाँ पर कहते हैं कि क्या आप जानते नहीं लुजिंग के फादर कौन है, उन्हें ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी कि हमने उनके बेटे को हमेशा हमेशा के लिए एक्सपेल कर दिया, इससे हमारी एकेडमी को नुकसान हो सकता है। ये सुनकर मास्टर ज़ियाओ एक गहरी सोच में पड़ गए थे। इसके बाद वो मुचेन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि मुचेन तुम्हारा इस पर क्या कहना है। मुचेन इस बात को अच्छे से समझ चुका था कि वो स्पिरिट डिस्ट्रक्शन पिल बहुत ही ज्यादा महंगी और बहुत ही काम की है, इसी वजह से लुओ मोबाइल फौरन से जंप करते हुए मैदान में आ चुका था ताकि वो ये डिस्ट्रक्शन पिल अपने लिए वापस ले सके। इसलिए मुचेन कहता है कि मैं इन लोगों की माफी कबूल करता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है, मैं चाहूंगा कि ये स्पिरिट डिस्ट्रक्शन पिल मैं अपने पास सॉरी के तौर पर रखूं। जिस पर लुएंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ लुओ मोबाइल समझदारी का मुजाहरा करते हुए मुचेन से कहता है कि लगता है तुम्हें ये स्पिरिट पिल काफी पसंद आ गई, ठीक है मैं अपने भाई की तरफ से सॉरी कहते हुए ये पिल तुम्हें दे
देता हूँ, जिस पर हम देखते हैं कि मुचिन ने उन दोनों को माफ कर दिया था और इसी वजह से उन्हें एक्सपेल नहीं किया जाता। जबकि साथ ही साथ यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि मुचिन ने इस कॉम्पिटिशन को जीत लिया और इसी वजह से वो अर्थ क्लास से प्रमोट होकर हेवनली क्लास में पहुंच चुका है। सिर्फ मुचिन ही नहीं, वहां पर उसके बाद भी बहुत सारे लोगों के बीच कॉम्पिटिशन हुआ जिसमें से विनर्स को हेवनली क्लास में प्रमोट कर दिया गया। यहाँ मुचिन हेवनली क्लास में पहुंचने की वजह से काफी ज्यादा खुश लग रहा था क्योंकि वो जानता था कि इस कंपटीशन को जीतने की वजह से वो 5 ग्रेट एकेडमीज के ओर ज्यादा करीब हो चुका है, यानी कि उसने अपना पहला कदम अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए बढ़ा दिया। इसी खुशी के साथ हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होकर यहाँ जंगल पर आ चुका था, जहाँ लुओ मिंग नाम का एक आदमी अपने कुछ असेसन लेकर किसी पर हमला करने के लिए जा रहा था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यही पर खत्म हो जाता है।